हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल MD सदाम 9128 पर। आज मैं बताने वाला हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 सेकंड सीटिंग जो कि सेट जे है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो जिसमें 50 ठो को हल करना था। तो आज मैं पूरा 100% क्वेश्चन मिलाने का काम करूँगा। आप लोग मिलाइए कॉपी में अपने अपने प्रश्न पुस्तिका में, जो भी आपके से पास सेट है ABCD जो है, सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। किसी में एक का दो में रह जाएगा, एक दो का क्वेश्चन 10 में रह जाएगा। तो इस तरह ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। आप अपने प्रश्न पुस्तिका में मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। उसके बाद, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ये बंदा सही टिक लगाए हैं। उसके बाद है रांची। रांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को शेर शाह ने हराया था। बाबर, अकबर, जहांगीर, ये सब तो नहीं होगा। अच्छा, जहांगीर का शासन काल क्या है? जहांगीर का शासन काल 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। सही आंसर है डी। और उसके बाद छौका है, सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो सार्वभौमिक शांति। साथ में देखिए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को। करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जीतल क्या था? तो एक सिक्का था। ठीक, बहुत अच्छा टिक लगा हुआ है। 9 में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो सबको पता है, शाहजहां ने लगवाया था। डी होगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव, है ना। उसके बाद 11 में देखिए, 11 में है विक्टोरिया टर्मिनल। टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तनव गौथी। बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1913। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। देखिए, बहुत अच्छा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो ये होगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, तो 1915 हो जाएगा सी। अच्छा, 15 में देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930। बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल सिंह, गोपाल कृष्ण खोखले। 17 में, डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत अच्छा टिक लगा हुआ है। आगे देखते हैं कितना सही किया है ये बंदा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। आगे है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। बिल्कुल। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1924 में। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में। स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। बिल्कुल। 24 में, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वन, वैशाली में। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वाह वाह, टोडरमल। हमने 6 क्लास में भारतीय भवन का, है ना, पढ़ाए थे इतिहास बच्चों को। देखिए, उसके बाद अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। वाह, 26 तक हो गया। अब 27 में देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
हिस्ट्री आप पढ़िए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। छठा का देख लीजिए एक बार उठा के, पूरा का पूरा मिल जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। बहुत अच्छा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देख लीजिए, बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश किसने संस्थापक किया? तो बाबर ने, सबसे पहले बाबर से बहादुर शाह जफर लास्ट। शहर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? वाह क्या क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय। अब देखते हैं 32 का। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। हमने इस पर भाषण दिया था बचपन में, देख लो। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। वेरी गुड। मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई? 1906। बंगाल विभाजन कब हुआ? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1905। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। और अच्छा क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई। अब है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देख लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? टॉलस्टॉय। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? देख लीजिए, 42 का है। 42 का क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। सी होगा इसका आंसर, गलत शायद नहीं लग गया होगा। 43 में देखिए, 43 में क्या है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अब देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आप लोग को पता है, 284 होगा, 284 करेक्ट आंसर, गलत लगा दिया बंदा। अच्छा 45 का देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, क्या लिखा है? पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें सभी, ये सभी को कैबिनेट मिशन के सदस्य सभी बने थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना हुआ? देख लीजिए, भारत है ना, 46 का आप लोग खुद दे सकते हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? श्री गोपाल राजगोपालाचार्य, यही होगा। 48 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देख लीजिए, महात्मा गांधी, ये वो राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तहकीक के हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, इब्न अलबरूनी होगा इसमें, गलत लग गया है इसका। 52 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देख लीजिए, 1600 ईस्वी में होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। संथाल विद्रोह कब हुआ?
1832, 1851, 1841, 1855 ये होगा राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? लॉर्ड वेल्स, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड टेंटिंग ये होगा लॉर्ड डलहौजी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था आपको पता है? जतरा भगत, भागीरथ, सिद्धू कानू। दक्कन दंगा आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया? 1875 में। 57 में देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों में से जाना जाता है? छबीली, मानिकनी का, मनु या इनमें सभी होगा दोस्तों। इसका बचपन का नाम, बचपन से लेके बड़े तक के सभी नाम है इनके। आगे क्वेश्चन देखते हैं 58 का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना? तो क्लावी डलहौजी कैनिंग ये होगा, कैनिंग सी सही आंसर सी। 60 का, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, है ना? तो चर्बी वाले कारतूस ये होगा सी का सही आंसर, यहाँ गलत लगा दिया। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसमें नहीं लगा है, वह आगरा में है, आगरा में। भक्ति आंदोलन, है ना, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद सही आंसर। 63, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, बहुत अच्छा सही लगा हुआ है। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ठीक। प्लासी की लड़ाई, है ना, प्लासी की लड़ाई कब हुई, है ना सी। 66 नंबर देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस, ये हो जाएगा एका। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। वीर कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जोधपुर, झांसी, जगदीशपुर। जगदीशपुर होगा राइट आंसर, है ना। वर्ग 5 के हिंदी में आप देख सकते हैं 69 सॉरी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे हिसाब से ये होगा, नील आंदोलन ही शुरू किया था सबसे पहले। 70 में देखिए, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना? तो बोस, भूपेंद्र बोस, अंबिका चरण मजूमदार ये होगा। 71 में, निम्न में से किसने मोहन जोदड़ो की उल्लेखनीय की? राइट आंसर राखाल दास बनर्जी, ठीक। 72 में, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? वाह, लोहा, बहुत अच्छा। 73 में है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी कब? कनिंगम डीसी सरकार, फ्लॉट विलियन, ना कनिंगम विलियम जॉन्स। उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आप देख सकते हैं हिंदी के वर्ग 7 में, 261 ईस्वी पूर्व। अशोक किस वंश का राजा था? अर्जुनंद वंश, सीसा नाग वंश, मौर्य वंश,
हुआ। ये भी देख सकते हैं आप वर्ग सात के हिंदी में। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, वेरी गुड। मुद्राक्षस किसकी रचना है? क्या होगा, मुद्राक्षण किसकी रचना थी? विख्यादत्त। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, सही है। 81 में देखते हैं हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर सम्राट की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में, ठीक। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देवराय हरिहर बुक्का कृष्ण देवराय। अयंगर विजयनगर साम्राज्य का हो गया। आगे देखते हैं 85 का। अलबुरुनी किसके साथ भारत आया? सबको पता होगा, गजनी के साथ। उसके बाद है चौथी बुद्ध परिषद किसके काल में हुई थी? अशोक अजातशत्रु काल से, ये कनिष्क हो गया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? है ना, तो इसका डी हो गया आंसर, राइट आंसर। तालवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर रैदास नानक का होगा, पाकिस्तान में जिसे नानकाना साहब कहते हैं। अब देखिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो गुरु नानक। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ देखना होगा अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो जहांगीर होगा, है ना, 90 का क्या होगा, बी होगा। आया था अकबर के लिए अकबर, लेकिन मृत्यु हो गया, तो जहांगीर के बादशाह में आ गए। खैर आप देख सकते होंगे, देखे होंगे हिस्ट्री में। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में दे देंगे, वैसे जहांगीर होना चाहिए। उसके बाद 91 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस युग का, सही आंसर लगाया है ये। 92 में मोहनजोद्रो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला, ये ना होगा। भारत पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ना, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कार्जन अलेक्जेंडर कनिंघम, बी होगा। हड़प्पा का उत्खनन किया था? ये हो गया दयाराम सहनी। आप देखते हैं 95, कालीबाग कहाँ स्थित है? कालीबाग कहाँ स्थित है, राजस्थान में। 96 में देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? गंगा, जमुना, सरस्वती, पुनपुन, गंडक, फाल्गु, सोन फाल्गुन, गंगा सोन पुनपुन, पुनपुन गंगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में देख सकते हैं क्या होगा, डी होगा। चलिए अब लास्ट 3-4 रह गया है। 97, वेदों की संख्या कितनी है? 4 होगा, सॉरी 97। भारतीय इतिहास का कौन सा काल शरण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल, ठीक है। 98, वेदों की संख्या कितनी है? 4। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? देख लीजिए
भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, सभी होगा राइट आंसर है। तो इस वीडियो को आप लास्ट करते हैं, धन्यवाद।